अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यासिर शेख और आज एक ऐसे सुलगते मौजू पे हम बात करेंगे। और ये मौजू यकीनी तौर पे जिस पे जब मैं इस पे रिसर्च कर रहा था, जब मैं इससे मुतालिक रेफरेंसेज इकट्ठे कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि ये हर घर की कहानी है। ये बुनियादी तौर पर आज का इस वीलॉग का मकसद पाकिस्तान में गुज़श्ता 10 सालों के दरमियान जो लोगों के खानदानों की मुख्तलिफ खानदानों की गिरती हुई माशी सूरत हाल है, उसके असबाब का जायजा लिया गया है। और इन 10 सालों में वो 10 कौन सी बड़ी वजूहत जो कॉमनली सामने आई है उस पर हम बात करेंगे। जो बुनियाद है इस बात की, अगर मैं ये समझता हूं, मैं तो बड़ा कन्विंसेंट क्लियर हूं जब मैं इस पर स्टडी कर रहा था कि वाकईतन ये वो 10 खराफात हैं जो हमारी जिंदगी में दाखिल हुई और बुनियाद बन रही है हमारी माशी तबाही की। उनमें नंबर 1 के ऊपर जो हम और आप शायद इत्तेफाक यकीनी तौर पर करने की पोजिशन में होंगे, सबसे ज्यादा हमारी जो माशी तबाही की नंबर 1 रीजन बनी वो हर फैमिली के अंदर और हर फैमिली के हर फर्द के अंदर स्मार्टफोन का आ जाना है। यानी कि किसी शख्स की जरूरत है या नहीं और उसकी वसाइल उसको इजाजत देते हैं या नहीं, उसने बहुत महंगा किस्म का स्मार्टफोन अपने पास रखा। और दूसरे नंबर पे जो हमारे यहाँ सामाजिक तौर पे जो हमने दबाव अपने ऊपर डालना शुरू कर दिया वो ये कि हमने अपने स्टेटस सिंबल के लिए कार को उफा मेरी जरूरत था या नहीं और ऐसे गैजेट्स को जो मेरी जरूरत थे या नहीं, हमने स्टेटस सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और तीसरी बड़ी वजह जो है वो जो स्टैटिक्स हमने इकट्ठे किए जिस पर हमने काम किया और मुख्तलिफ रिसर्चेस जो थी उनके ऊपर हमने जब गौर करना शुरू किया तो हमें ये लगा कि लोगों ने खुद को घर के बने हुए खानों से रोकना शुरू कर दिया और इस बात को अपने लिए लाजिम और मजलूम करार दे लिया कि हर वीकेंड के ऊपर डाइन आउट करेंगे, घर का खाना नहीं खाएंगे और बाहर जाएंगे। ये भी एक मौशी वजह है, मौशी मईशत के ऊपर दबाव की एक वजह के तौर पर सामने आए। और इससे आगे अगर हम चलें तो हमें लगेगा कि हम लोग जो है बहुत ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस हो गए और इस ब्रांड कॉन्शियसनेस ने हमें जो रुझान दिया कि हमने जो है बहुत आला किस्म के पॉयलर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, खवातीन में खासतौर पर यह बात सामने आई। और हमने जो कपड़े हैं वो आम कपड़े पहनना छोड़ दिए, उसके लिए भी हमने ब्रांड्स को जो है प्रेफर करना शुरू कर दिया। वही कपड़े जो आमतौर पर मार्केट के अंदर बहुत नॉर्मल और नॉमिनल प्राइसेस पे मिल जाते हैं, बट ब्रांड टैग लगने की वजह से उनकी जो है प्राइसेस आसमान को छू जाती है। लेकिन बदकिस्मती से वो हमारी बुनियादी जरूरत और शनाख्त बन गई कि अब हर बंदा इसको स्टेटस सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करता है कि उसने ब्रांड के ही कपड़े पहने हैं। सो ये भी एक बड़ी वजह बन रही है कि हमारी माशी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ अगर आगे चलते जाइए तो ये नॉर्मली ये रुझान गुज़श्ता 10 सालों में बहुत तेजी से बढ़ा कि हमने अपनी शादी की सालगिराह और बर्थडेज उनको बतौर एक इवेंट के और एक लाजमी इवेंट के तौर पर लेना शुरू कर दिया। आप एक अमूमी तौर पर घर के अंदर आप जायजा ले लें, अगर घर के 8 अफराद हैं तो 8 सेलिब्रेशन हमने लाजमी करनी है, उनमें से अगर 3 लोग शादीशुदा हैं तो उनकी शादी की सालगिराहें भी लैदा होंगी। और इन बर्थडेज पे और इन सालगिराहों के इनकी जो शादी की सालगिराहें हैं उनके ऊपर जो है आपको लगेगा कि इंतहाई गैर जरूरी तौर पर हमारा माशी जो है बजट जो है उस तरफ निकल जाता है जिससे माशी मसाइल में इजाफा हो रहा है। और इसी तरीके से जब पहले के दौर में और ये रुझान अगर 10 साल से पहले चले जाएं तो शादियां बुनियादी तौर पर एक फैमिली फंक्शन हुआ करती थी जिसमें खास तौर पे फोकस किया जाता था कि जितने वसाइल हैं जितनी आपकी मईशत आपको इजाजत दे रही है उतने लोगों को आप अपने यहां बुलाइए और शादी का फंक्शन कर लीजिए। लेकिन अब ये एक सोसाइटी में एक अजब एक रुझान के जितने ज्यादा अफराद आएंगे उतनी ज्यादा जय जयकार होगी, जितनी ज्यादा डिशेज आपके अंदर बनाने की कुवत और सलाहियत होगी उतना ही लोगों के अंदर और माशरे के अंदर आपको पजीराई मिलेगी। तो ये भी एक खौफनाक रुझान के तौर पर हमारे सामने आया कि हमने शादियों को गैर मामूली तौर पर एक ग्रैंड सरमनीज के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया और माशी तबाही का एक अहम शाखसानों में से एक शाखसाना ये भी है। और इसी तरीके से कमर्शलाइजेशन की हम जानिब चले गए कि हमने हॉस्पिटल स्कूल और ट्यूशन सेंटर्स को भी कमर्शलाइजेशन की तरफ जो है इस कदर तेजी से रुझान पाया कि अब बहुत अच्छे अगर हमें कोई नॉमिनल से खुदा नखास्ता कोई डिजीज है छोटी सी सर्जरी करानी है तो हम प्रेफर करते हैं कि बहुत आउट क्लास किस्म के और बहुत शानदार स्ट्रक्चर वाले हॉस्पिटल से होनी चाहिए जिसमें जो है वो लगे ना कि ये हॉस्पिटल और 5-स्टार होटल के फर्क को खत्म करता हुआ ऐसा मकान ढूंढा जाए कि जहां जाके हम अपनी सर्जरीज कराएं। और सेम सूरत हाल तालीमी इदारों की है कि हम इतने ज्यादा कॉशियस हैं कि हम अपने बच्चों के लिए अपने 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 घर में पढ़ने वालों के लिए ऐसा स्कूल का इंतखाब कर रहे हैं, ऐसी तालीमी अमाजगाओं का इंतखाब कर रहे हैं
कि जो स्कूल कम और रेस्टोरेंट्स फाइव स्टार रेस्टोरेंट्स की शबी ज्यादा देते हैं, और यकीनी तौर पर और इसी तरीके से हमने जो अपने एकेडमीज हैं एकेडमीज की तरफ ऐसा रुझान ले लिया कि वो एकेडमीज भी आपको कमोबेश थ्री या फोर स्टार होटल के स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। तो ये भी एक बड़ी वजह बनी कि जितना जाहिर बात है कि आप लेविशनेस की तरफ जाएंगे उतना ही ज्यादा आपको वसाइल उसमें झोंकना पड़ेंगे। और आगे चलते हुए अगले जिस मुहर्रिक की तरफ हम जाएंगे वो भी बहुत एक अहम बात है कि हमने क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल बहुत करना शुरू कर दिया। हम लोन्स लेते हैं, हमारी गुंजाइश है या नहीं, हमने जनाब अपने क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल ज्यादा शुरू कर दिया, और उस क्रेडिट कार्ड्स पे लगने वाले इजाफी चार्जेस जिसे सादा जबान के अंदर आप सूद कहते हैं वो उसकी वजह से भी मीशत पर ऐसा अजब दबाव आ रहा है, बल्कि अगर हम कहें गजब दबाव आ रहा है तो ये कहना बेजाना होगा। ये भी एक माशरे के अंदर एक तबाही की एक जीना है जो मीशत को चाटे जा रहा है। और इसी तरीके से टन्स ऑफ मनीज जो हैं, हम अपने पैसों का बेदरेज इस्तेमाल अपने घरों की इंटीरियर डेकोरेशन पे करने लगे हैं, अपने ऑफिसेज की डेकोरेशन पे करने लगे हैं, और ये भी एक बड़ी वजहों में से एक वजह है कि हमने जब इंटीरियर डेकोरेशंस के लिए मुख्तलिफ कंपनी से रब्ता करना शुरू किया तो उन्होंने घर की मजमूई कास्ट से ज्यादा की कास्ट उसकी डेकोरेशन के लिए बताई और हमने पे करना शुरू किया। सो ये वो सारे वो मुहर्रिकात थे जिनका हमने मुख्तसर सा अहवाल आपके सामने पेश किया। बुनियादी तौर पे हमारे जो आदाद व शुमार हैं, जो बहुत से लोग इस पे काम कर रहे हैं और बड़े अथेंटिक तरीके से काम कर रहे हैं, तो गुज़श्ता 10 सालों में माशी तबाही या माशी प्रेशर आने की खानदानों पे इन वजूहात का हमने जिक्र किया। मैं अपने लिए भी दुआ करूं और आपके लिए भी दुआ करूं कि अल्लाह ताला हमें सादा जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और जितना हो सके हम अपने रिसोर्सेज को सेव करके सादगी को अपनाएं ताकि अच्छी और बावकार जिंदगी बगैर माशी तनाव बगैर जहनी दबाव के गुजार सकें। सलामत रहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।